सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव के लिए धनबाद की 6 सीटों के लिए आज यानी 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू होगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों के कल्याण को देखते हुए आज यानी 22 अक्टूबर से नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिसके अंतर्गत प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक सभी अधिकारी कार्यालय में बैठकर आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रयागराज में आयोजित खेल प्रतियोगिता के पंजीकरण आज यानी 22 अक्टूबर तक है। बता दें कि निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य युवा शक्तियों में खेल को बढ़ावा देना और खेल के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करना है। शिरोमणि अकाली दल की आज यानी 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी। बता दें कि बैठक में आगामी उपचुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी और प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। रांची की कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 के लिए आज यानी 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। बता दें कि 1 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश के NHLU समेत देश के प्रमुख नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत अन्य में इस परीक्षा के माध्यम से एडमिशन लिए जाएंगे। यूनाइटेड हीट ट्रांसफर लिमिटेड का IPO आज यानी 22 अक्टूबर को खुलेगा और 24 को बंद होगा। बता दें इसके जरिए कंपनी ने 29.99 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी शेयर NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होंगे। पाली में जनता कॉलोनी स्थित अक्षरधाम हेल्थ केयर में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा जांच शिविर आज यानी 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। बता दें कि शिविर में सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, डायबिटीज की जांच, परामर्श, BP, BMI टेस्ट एवं डायबिटीज टेस्ट होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 22543 बांद्रा टर्मिनस लालकुआ एक्सप्रेस आज यानी 22 अक्टूबर से प्रत्येक मंगलवार को बांद्रा से सुबह 11 बजे चलकर अगली दोपहर 1:15 तक लालकुआ पहुंचेगी। बता दें कि ट्रेन में जनरल के 4, थर्ड AC के 3, सेकेंड AC का 1 व स्लीपर के 6 कोच रहेंगे। इटावा में राजा राम कॉलोनी में हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। ये सुंदरकांड पाठ आज यानी 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से होगा। बता दें ये जानकारी मनोज शास्त्री तथा राजेश कुमार शर्मा ने दी है। बिहार में आज यानी 22 अक्टूबर मौसम शुष्क बना रहेगा। बता दें कि तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सुबह के समय कई जिलों में वायुमंडल आर्द्रता अधिक होने के कारण कोहरा छाया रहेगा। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1796 में आज ही के दिन पेशवा माधव राव द्वितीय ने आत्महत्या की थी। साल 1875 में आज ही के दिन अर्जेंटीना में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन की शुरुआत हुई थी। साल 1883 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में ओपेरा हाउस का उद्घाटन हुआ था। साल 1900 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां का जन्म हुआ था। साल 1986 में आज के दिन चीन में सेना प्रमुख के अध्यक्ष ये जियानिंग का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।